नमस्कार, आप जो रहा छो न्यूज 18 गुजराती, हूँ सिद्धार्थ दौड़। क्या महत्व समाचार मेहसणा थी, कांग्रेस में गाबड़ा यथावत है। एमएलए भरतजी ठाकुर मत विस्तार में गाबड़ू पड़ू है। कांग्रेस 40 होद्देदारों राजीनामा, जोटाणा तालुका पूर्व सभ्य नु राजीनामु, जोटाणा तालुका उप्रमुख महामंत्री नु राजीनामु, टिकीट फाळवणी में ज्ञातिवाद सगावाद ना मुद्दे रोष। तो मेहसाणामां हजु पण एज परिस्थितिनुं निर्माण थयुं छे के ज्यां आगळ कांग्रेस पोताना कार्यकर्ताओने पण नथी साचवी शकती। होद्देदारो राजीनामा आपी रह्या छे, चूंटणी लड़वी तो दूर, आ परिस्थितिमां तेओ जो उमेदवारोना फॉर्म परत न खेंचाय तेनी ज प्रार्थना भगवानने करी रह्या छे। आ तरफ डांगमां सुबीर तालुका पंचायतमां कांग्रेसने झटको, दहेर बैठक पर भाजपना उमेदवार बिनहरीफ थया छे। भाजपना उमेदवार रघु साळवे बिनहरीफ थया छे। कांग्रेसना उम्मेदवारनुं फॉर्म रद्द थयुं छे, अधूरी विगतना कारणे फॉर्म रद्द थयुं होवानुं जाणवा मळी रह्युं छे। आ तरफ मोरबी नगरपालिका वोर्ड 1ना उम्मेदवारो वच्चे छूटा हाथनी मारामारी थी। भाजप कांग्रेसना उम्मेदवारो वच्चे मारामारीना दृश्यो सर्जाया। भाजपना देवाभाई अवाडिया अने कांग्रेसना कनुभाई लाडवा वच्चे मारामारी थई। तालुका सेवा सदन खाते मारामारीना दृश्यो सर्जाया हता। पोलीसे वच्चे पड़ी बंने ने छोड़ाव्या, बंने ने बी डिविजन पोलीस मथके लई जवाया छे। मारामारीना दृश्यो कैमेरामां कैद थया छे। तो बंने दृश्यो आप जे जोई रह्या छो, बीजा दृश्योमां पोलीसे वच्चे पड़वुं पड्युं हतुं। बंने उम्मेदवारो सामसामे आवी गया हता, समाजना अग्रणीओ त्यां उपस्थित हता अने तेओए पण छोड़ावानो प्रयास कर्यो हतो। राजकोट जिला पंचायत में चूंटणी कोंगी उम्मीदवार नो भाजप पर आरोप, फॉर्म परत खेंचवा 10 लाख नी ऑफर कराए, फॉर्म परत न खेंचे तो मारी नाखवानी धमकी, आक्षेप करतो वीडियो वायरल थयो। पोलीसे फरियाद न लीधी होवानो पण आरोप महिला कार्यकर्ता अने उम्मीदवारे लगाव्यो छे। ભાજપના 3 વ્યક્તિઓ મારા ઘરે આવી અને મને રૂપિયા 10 લાખની ઓફર આપી હતી, ફોર્મ પરત ખેંચવા માટે દબાણ કરે છે અને જો ફોર્મ પરત ન ખેંચ્યું તો જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપેલ છે। આ તરફ પંચમહાલમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી રસપ્રદ બની છે। કોંગ્રેસે પોતાના ઉમેદવારોને અજ્ઞાત સ્થળે ખસેડ્યા, જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખના ભાજપ પર પ્રહાર। ભાજપ સામ દામ દંડભેદની નીતિ અપનાવે છે, 60% ઉમેદવારોને સલામત સ્થળે ખસેડ્યા હોવાની વાત કરી। भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड नी नीति अपनावी जे रीतना लोकशाही तंत्रनो खनन करी रही है, लोकशाही तंत्र ने नुकसान पहुँचाड़वा प्रयत्न करी रही है। एमां जे एमनी रणनीति है ये केटलाक कांग्रेसना अमारा तालुका पंचायत सभ्य चूंटणी लड़ी रहा है, जिला पंचायत लड़ी रहा है, नगरपालिका में लड़ी रहा है, एमने तोड़वाना जे प्रयत्न करी रहा है ये खूब चिंता ने दुखनो विषय है। अत्यारे गई काल थी जे रीतना उम्मेदवारों ने लोभ लालच नी वातो भारतीय जनता पार्टी आगेवानों द्वारा आ जिल्ला में करवामां आवी, ए संजोगों में कांग्रेसे सचेत अने जागृत थई अत्यार सुधी में 60% अमारा उम्मेदवारों ने सलामत स्थले खसेड़वानो प्रयत्न कर्यो छे। जूनागढ़ कांग्रेस में भड़को थयो छे। बेलखा जिला पंचायत नीचे आवता 3 तालुका पंचायत में डखा उभा थया छे। कांग्रेसना 3 महिला उम्मेदवारे फॉर्म परत खेंची लीधा छे। बंधाळा, भलगाम अने चोरवाड़ी गामना कांग्रेसना महिला उम्मेदवारोए फॉर्म परत खेंच्या छे। भाजपना समर्थन में फॉर्म पाछा खेंचाया छे। भाजप अपक्ष अने आपना उम्मेदवारो वच्चे जंग जामशे। कांग्रेसना युवा अग्रणी भाई श्री अनकभाई भोजक के जेओए भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करी अने बिलखा विस्तार में कांग्रेसने मुक्त करवानुं काम एमने कर्युं छे। आगामी दिवसों में એમના રાબર હેઠળ બિલખા વિસ્તારમાં વિકાસની નવી રાજનીતિનો પાયો આજે નંખાણો છે। આ તરફ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી આવતા જ ટિકિટને લઈને કકળાટ થઈ રહ્યો છે અને આ કકળાટ સાથે ઉમેદવારોમાં કચવાટ પણ હતો। ટિકિટનો કચવાટ હવે ઘર સુધી પહોંચ્યો છે। સુરતના વોર્ડ નંબર 15માં મહિલા ઉમેદવાર અને પત્રકાર એવી મનીષા આહિરને ભાજપ દ્વારા ટિકિટ આપવામાં આવી। આ દરમિયાન આ ઉમેદવારના પતિ મહેશ આહિર અચાનક જ કોંગ્રેસમાં જોડાઈ ગયા છે। ભાજપના ઉમેદવારના પતિ મતદાન પહેલા કોંગ્રેસમાં જોડાતા ખળભળાટ મચી ગયો।
જૂનાગઢમાં મજેવડી જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં ફોર્મનો વિવાદ ઉભો થયો છે. ચૂંટણી અધિકારી પાસે દાવાઓ કરાયા કે કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા તેના ઉમેદવારને યોગ્ય સમયે મેન્ડેટ નથી અપાયું. ભાજપે કોંગ્રેસના ઉમેદવારનું ફોર્મ રદ કરવાની પણ માંગ કરી છે. આખરી નિર્ણય ચૂંટણી અધિકારી નક્કી કરશે.